Hi friends, I am Mamta and welcome to my YouTube channel MKB Cyclopedia. I hope आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे. आप लोग जैसा कि मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं, मैंने पीछे आप लोगों से कुछ रेसिपीज शेयर की हैं. कुछ रेसिपीज आप लोगों को काफ़ी अच्छी भी लगी हैं. सो थैंक यू फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स. एंड आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ में अपनी एक फेवरेट मटन डिश की रेसिपी शेयर की जाए. सो मेरी जो फेवरेट मटन डिश है, इसको इसका नाम इसके सुर्ख लाल रंग की वजह से मिला है और ये एक पॉपुलर राजस्थानी मटन डिश है. आई होप आप लोग ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे कि ये डिश है लाल मांस. सो लाल मांस एक पॉपुलर राजस्थानी मटन डिश है जिसमें कि एक स्पेशल जगह की रेड चिलीज यूज होती हैं जिसकी वजह से इसको तेज लाल रंग मिलता है. एंड मैंने ये डिश जो है सबसे पहले 2016 में टेस्ट करी थी जब मैंने जोधपुर विजिट किया था. सो जोधपुर में मेरा वर्क ट्रिप था एंड आई स्टेड एट होटल ताज हरी महल एंड वहाँ पे मैंने सबसे पहले ये डिश ट्राई करी थी. और मुझे जनरली मटन डिशेस ज़्यादा पसंद नहीं है बट ये डिश मुझे बहुत पसंद आई थी. तो मैंने फिर उसके बाद में इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी है मेरी. तो मैंने सोचा कि मुझे ये डिश इतनी अच्छी लगी है, क्या कोई तरीका है कि मैं अपनी फैमिली को ये डिश टेस्ट करा पाऊँ. एंड इसके लिए मैंने सोचा कि चलिए ये डिश होटल से पैक करवा ली जाए और मैं इसको अपने साथ कैरी कर लूँगी. तो मैंने पैकिंग तो होटल से करवा लिया, उन्होंने मुझे अच्छे से पैक भी करके दे दिया. बट चैलेंज ये था कि मैं बाय एयर ट्रैवल कर रही थी एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि एयरलाइंस आपको इस तरह की डिशेस आपको हैंड बैगेज में कैरी नहीं करने दे सकती. तो मैंने इस डिश के साथ एक रिस्क लिया. मैंने उसमें 2-4 पॉलीथीन लपेट के उसको अपने सूटकेस में डाल दिया. रिस्क ये था कि अगर ये पैकेजिंग खुल जाएगी तो मेरे कपड़े, मेरा सूटकेस सब खराब हो जाएगा. बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड मैं सक्सेसफुली इस डिश को जोधपुर से बाय एयर दिल्ली तक लेके आई और अपनी फैमिली को टेस्ट कराई एंड दे रियली लाइक दिस डिश. सो मैंने इस डिश को पहले कभी घर पे नहीं बनाया था बट इन 2020 आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 2020 विंटर्स. क्योंकि अब मुझे लॉकडाउन के दौरान जो है टाइम मिल पा रहा था कि मैं जो जो डिशेस बनाना चाह रही हूँ उनको बना पाऊँ. एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ये डिश जो है ट्राई करी, उनको ये डिश काफ़ी पसंद आई. तो आई होप आप लोगों को भी ये डिश पसंद आएगी. एंड आप अपना फीडबैक और अपने कमेंट्स जो हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कर सकते हैं. एंड आपको अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को MKP साइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि इस डिश को बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए और कैसे इसको बनाना है. तो यहाँ पे मेरे पास है सम फाइनली चॉप्ड जिंजर एंड गार्लिक, सम फाइनली चॉप्ड अनियंस. सो आई हैव मटन हेयर विच इज़ अबाउट 1 kg. सो 1 किलो मटन के लिए मैंने करीबन 8 से 10 क्लोव्स ऑफ गार्लिक यूज़ किया है एंड अबाउट 1 inch लॉन्ग जिंजर पीस यूज़ किया है. देन यहाँ पे मैंने जो है फाइनली चॉप्ड अनियन विच इज़ अबाउट 3-4 मीडियम साइज अनियंस एंड इसमें 3-4 ग्रीन चिलीज यूज़ किए हैं. वी विल यूज़ सम बीटन कर्ड लेटर एंड उसके अलावा हमें चाहिए घी, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सम स्पाइसेस, मीट मसाला एंड द स्टार इन्ग्रीडियंट और इस डिश की जान बेसिकली मथानिया रेड चिलीज. सो मथानिया रेड चिलीज आप देख सकते हैं मैंने इसको गर्म पानी में आई हैव सोक्ड इट फॉर अबाउट 2 hours एंड जनरली हम इसको इसका पेस्ट बनाकर हम जो है इस डिश में यूज़ करेंगे. सो चलिए देखते हैं इस डिश को कैसे बनाना है और आप लोग भी ट्राई करें एंड देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स कि आपको ये डिश कैसी लगी. सो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है. इस कढ़ाई में जो है मैंने 2 tablespoons के अराउंड जो है घी डाला है. सो इस घी को जो है हम गरम होने देते हैं अच्छे से एंड इसके बाद हम इसमें जो है हमारा फाइनली चॉप्ड गार्लिक एंड ग्रेटेड जिंजर सारा डाल देंगे. सो बहुत से लोग जो हैं लाल मांस में जो अनियन है वो लंबा लंबा काटते हैं बट हम लोगों को ग्रेटेड ही अच्छा लगता है, चॉप्ड ही अच्छा लगता है. तो मैंने उसको अच्छे से चॉप किया है. इसको हम अच्छे से अभी सॉटे कर लेंगे. सो वी नीड टू सॉटे इट, इसको अच्छे से जब तक इसकी रॉ स्मेल ना निकल जाए. सो वी नीड टू सॉटे इट और अगर आपको गार्लिक ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसको अच्छे से ब्राउन भी कर सकते हैं.
मैं अब यहाँ पे जो है, जब ये गार्लिक और जिंजर हमारा जो है सॉटे हो गया है, तो मैं यहाँ पे जो है इसमें जो हमारा फाइनली चॉप्ड अनियन एंड ग्रीन चिली है उसको डालने जा रही हूँ। हम इसको भी अच्छे से सॉटे करेंगे। सो आई एम डूइंग दिस, मैं इसको मीडियम फ्लेम में अभी कर रही हूँ। जब तक हमारा ये जिंजर अनियन एंड गार्लिक सॉटे हो रहा है, तब तक हम जो है अपनी मथानिया रेड चिलीज का पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने ये रेड चिलीज करीबन 1.5 घंटा भिगाई हैं गर्म पानी में, और अब मैं इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से सोक हो गए हैं, और हम इसमें अब जो है थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से फाइन पेस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये इस तरह से हुई है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये पेस्ट जो है मथानिया रेड चिलीज का तैयार हो गया है। नाउ अब हमारा जो है अनियन एंड जिंजर गार्लिक भी यहाँ पे सॉटे हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पे मटन डालेंगे। मटन को हम इसमें थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो हमें इसे इस तरह से करीब 10 मिनट तक सॉटे करना है मटन है इसको। अब हम यहाँ पर हम इस मटन को करीब 10 मिनट से सॉटे कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर सॉल्ट पेस्ट और इसके साथ ही हम इसमें यहाँ पे मथानिया रेड चिली का जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसे ऐड कर देंगे। अब हमें इसको अच्छे से सॉटे करना है, अच्छे से फ्राई करना है। एक्चुअली सॉटे भी नहीं, बट अच्छे से इसको फ्राई करना है। और मैं यहाँ पे मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर रही हूँ। तो देख सकते हैं इसका कलर जो है वैसे ही काफ़ी अच्छा आने लगा है। देखिए इसको भूनते वक्त आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, और इसको अच्छे से भूनना है। करीबन 10 से 15 मिनट हम इसे अच्छे से भूनेंगे।
देखेंगे धीरे धीरे इसका कलर जो है और अच्छा रेड होता जाएगा। अच्छे से आप भूनिए मटन को ताकि जो मथानिया रेड चिलीज का कलर है इसकी खूबी इस मटन के साथ मिल जाए। ये ही इस डिश को एक अच्छा टेस्ट दे। तो अब हम करीबन इसको पिछले 10 मिनट से भून रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही बढ़िया रंग आता जा रहा है। और ये जो है मसाला ऑयल भी छोड़ने लगा है। थोड़ी देर हम इसको करीबन 5 मिनट और अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे। मिर्ची के गुण अच्छे से इस मटन में मिक्स हो जाए। मैं जब भी ये मटन डिश बनाती हूँ मैं इसको बहुत तसल्ली से बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है स्लो फ्लेम पे जो है मटन अच्छा कुक होता है। तो अभी हमने इसको अच्छे से फ्राई किया है, ये देख सकते हैं आप इसका इतना अच्छा कलर आ गया है, ये इसका रेड कलर आता जा रहा है इस पर। अब हम इसमें डालने के लिए जो दही का मिक्सचर है वो तैयार कर लेंगे। तो इसको दही को हम अच्छे से फेंट के इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर अबाउट अ स्पून, अबाउट अ स्पून ऑफ मीट मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें जीरा पाउडर भी ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसको एक अच्छा सा टेस्ट देने के लिए इसमें हम करीबन 2 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल हम इसमें ऐड करेंगे। तो इससे इसको बहुत ही अच्छा पंजेंट सा टेस्ट मिलता है। अब हम इसमें जो है अपना ये दही का मिक्सचर ऐड कर देंगे। अब इसको एक हथकड़ी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें दही का मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद अब हम इसे स्लो कुक करेंगे और धीमी आंच पर हम इसे पकने देंगे ताकि हमारा मटन भी अच्छे से गल जाए। और ये जब ये एक बार ही थोड़ा सा तैयार होगा ये हमारा मटन गल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसा नज़र आएगा। आप इसको अगर आपके पास में टाइम है तो आप इसको धीमी आंच पर कुक होने दीजिए। मैं जनरली इसको ढक के नहीं बनाती हूँ पर अगर आप इसको जल्दी पकाना चाहते हैं तो आप इसको ढक के बना सकते हैं। तो अगर मैं पूरे टाइम की बात करूँ तो मुझे करीबन इसमें
एक से डेढ़ घंटे का टाइम लगता है इस मटन को कुक होने में, और उसमें डिपेंड करता है कि मटन कितना टाइम लेता है कुक होने में, बट या ऑन एन एवरेज एक से डेढ़ घंटे का टाइम इस डिश को बनाने में लगता है। एंड अभी मटन ये स्लो कुक हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अब देख सकते हैं, हमारा मटन अब कुछ इस तरह से लग रहा है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इसका बहुत अच्छा टेक्सचर भी हो गया है। ये अच्छे से गल भी चुका है बिकॉज मीट हैज़ लेफ्ट द बोन, सो ये अच्छे से अब गल भी गया है। अब आप इस डिश को जो है एज अ ड्राई रोस्टेड मटन भी खा सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ी सी ग्रेवी बना के इसको राइस या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हम इसको दोनों तरीके से प्रेफर करते हैं खाना, तो हम इसको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ड्राई अभी खाने के लिए निकाला है, तो ये ड्राई भी काफ़ी अच्छा लगता है, इट्स वेरी डिलिशियस। एंड इसके बाद में हम जो है इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, इसको ग्रेवी थोड़ी सी ग्रेवी बनाते हैं। तो लाल मांस के लिए कहा जाता है कि अगर आप इसको आज बना के कल खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाता है। तो आप ये डिश जरूर ट्राई कीजिएगा, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड बट अभी फिलहाल दिस इज़ द ड्राई रोस्टेड रेड मांस, लाल मांस यू कैन से। आई होप आप लोग भी ये डिश अपने एंड पे ट्राई करेंगे एंड आप लोगों को ये पसंद आएगी। यू कैन मेंशन योर रिस्पॉन्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन ऑफ माई यूट्यूब वीडियो, एंड होप यू विल एंजॉय दिस डिश। थैंक यू।